नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हरिदास सरदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी रहेगा 50,000 प्लस एनी ग्रेजुएट, 300 प्लस पोस्ट है, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो चलते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट में। जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास सरदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कराए उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपलोड। एट फर्स्ट रेस्टोरेंट इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल। पूरा साल भर इंतजार करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन उनके लिए। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। ए डिटेल ऑफ वैकेंसीज, सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल ऑफ द पोस्ट, अच्छा मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल वैकेंसीज, अनरिजर्व, EWS, SC ST, OBC, ये जो कि अलग अलग जो कैटेगरी दिया गया ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये 35 पेज का नोटिफिकेशन मैं कम से कम मीन जो मेन मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एक नंबर, एक ग्रुप ए पोस्ट टू बी फिल अप बाय द डेपुटेशन डायरेक्टोरेट, लीगल लेवल 12, पे स्केल 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपया, एज रहेगा 56, पोस्ट है 1। आज ए ग्रुप ए पोस्ट टू बी फिल अप बाय द डायरेक्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी लेवल 10, 56,100 से लेके 1,07,500 रुपया, एज 35, पोस्ट है 1। अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 10, 56,100 से लेके 1,07,500 रुपये पेमेंट में रहेगा, 35 ईयर्स एक ही। और चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स लेवल 10, सेम एज अबव 35, एक ग्रुप बी पोस्ट टू बी फिल बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये, एज 30 ईयर्स, 28 सीड है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया, 30 ईयर्स होगा, वैकेंसी 47, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन पे लेवल 6 रहेगा, उम्र 30, 2 वैकेंसी। ग्रुप सी पोस्ट टू बी फिल अप बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100, 22 सीट्स, और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 4, 27 उम्र, 100 वैकेंसीज, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर लेवल 2, 27 उम्र, 1। और उसके साथ देखिए कि ग्रुप बी पोस्ट टू फिल बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6, जो 35,400 लेके 1,12,000 बेसिक पे रहेगा, 30 उम्र, 47 वैकेंसी। इसके बाद अच्छा डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी, डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज में देखिएगा मैकेनिकल 19, केमिकल 18, माइक्रोबायोलॉजी 10। आ ग्रुप सी पोस्ट टू बी फिल बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ए सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4, ए 27 ईयर्स, 25 इसका वैकेंसी है, अलग अलग जो दिया गया टोटल। और उसके बाद डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज में कारपेंटर 6, वेल्डर 2, और प्लम्बर 3, ये इसी के उसी फिटर 03, टर्नर 05, इलेक्ट्रीशियन 06। ओके, अभी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, जो जिस कैटेगरी में जाएगा
उसी के आधार पे जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा जो आप लोगों को वैकेंसी में बताया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिजाइन स्टेनोग्राफर, ये जो अलग अलग जो दिया गया इसी दिया गया देखिएगा इसको कोई कोई जगह में एक्सपीरियंस वगैरह मांगते रहे तो वो भी देख लेना। और ये बैचलर डिग्री ऑफ होम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेनोग्राफी के लिए स्टेनोग्राफर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट टू द एटलीस्ट अप टू लेवल 5 और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सब चीज़ें। तो इसी हिसाब से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री फॉर्म ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बाकी जो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की ऐसी टिप्टेशन इन 15 मिनट्स, ये सब चीज़ अपना टेट वाइज आप लोग ये जो देख लीजिएगा। इसी में अभी आप लोगों को साथ देखिएगा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू ये बढ़िया चीज़ है। अपना घर से बैठ के ऑनलाइन टेस्ट देके और इंटरव्यू क्वालिफाइड हो जाएगा तो इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम जो स्किल दिया गया उसी हिसाब से ऑनलाइन एंड स्किल टेस्ट दिया जाएगा। कौन सा जो जिस सब्जेक्ट में जाएगा उसे अपना स्किल टेस्ट का वगैरह देख लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिटेल रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज रिलैक्सेशन एग्जामिनेशन सेंटर एंड अदर गाइडलाइन इंफॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंस्टीट्यूट। ओके उसके बाद बाकी जो ये कैसे कैसे क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर दिया गया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी असिस्टेंट डायरेक्टर जे असिस्टेंट एम जे एग्जाम शैल बी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग सिलेबस, ये सिलेबस के मुताबिक अपना जिस स्टेट में अप्लाई करें उसी हिसाब से पूरा सिलेबस दिया गया वो देख लीजिएगा। उसके बाद कैसे कैसे फॉर द पोस्ट असिस्टेंट सिलेक्शन पर ये जो दिया गया ये भी देख लीजिए। और आप पर एक ये रिलैक्सेशन के बारे में जो दिया गया जो उसी हिसाब से रेज रिलैक्सेशन जो जिसने रिलैक्सेशन लेना चाहते ये टेबल भी देख लीजिएगा। अभी इसमें आ जाएगा ये एग्जाम सेंटर टेंटेटिव जो जिस स्टेट का है उसी स्टेट का एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए ये भी एग्जाम सेंटर का भी लिस्ट दिया गया उसी हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना है। आधार गाइडलाइंस के वो भी बारीकी से पढ़ लीजिएगा। अच्छा वेरिफिकेशन कैंडिडेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये इसी के रिलेटेड बाकी सब ये गाइडलाइन ये देखिएगा। इसमें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड
consumer affair, the application fee will be 800 rupiah for the remaining portion 500. Baki pot ke liye and no fee to be paid by SCST, PWD, women and BI serving employees. जो पहले से काम कर रहे हैं temporary basis, इनके लिए ये नहीं है. बाकी important schedule of event देखिएगा. online event registration of application 19 अप्रैल 2022. लेकिन मैं आज 26 तारीख मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया. 19 तारीख से शुरू हो गया, ये 9 मई 2022 तक चलेगा. एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑनलाइन 19 अप्रैल से लेके 9 मई तक चलेगा मिडनाइट. इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड और ऑनलाइन एग्जामिनेशन 10 डेज बिफोर ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ जून 2022. इस हिसाब से उम्मीद ये 35 पेज का पढ़ना मैं जितना हो सके इतना कम से कम टाइम से आप लोगों को कवर किया. बाकी आप लोगों को और ये कहाँ से निकला, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ये BIS, ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स. अच्छा, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. बाकी कुछ रिलैक्सेशन वगैरह के लिए जो एनएक्सआर के मुताबिक दिया गया उसी एनएक्सआर का फिलअप करके आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा. इसका नोटिफिकेशन के लिए अपना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. ये आप लोगों को पक्का हर बार बताता हूँ, जो कि ये नोटिफिकेशन को आराम से एक दो बार आराम से पढ़ के उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा. ओके, बेस्ट ऑफ लक. उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काम पे देगा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल. जय हिंद.